गाइस टुडे वी विल डू द 11th एंड द 12th क्वेश्चन ऑफ द इंडियनिका लर्निंग मैथ साइट बुक 6 ऑफ एक्सरसाइज 5.1. सो आई हैव डन ऑल द क्वेश्चंस ऑफ द सम ऑफ द क्वेश्चंस ऑफ दिस बुक. सो यू कैन वॉच इट ऑन माय चैनल. सो लेट्स स्टार्ट अ टुडे वीडियो. बट बिफोर स्टार्टिंग आई वांट टू अनाउंस दैट आई एम डूइंग अ क्यू एंड ए ऑन व्हेन आई रीच 1k subscribers. So please leave a comment and help me to reach 1k subscribers. I will ask all the questions asked by you. Okay, so my name is Sahil and you are watching CBSE First to Eighth Guide. So let's start. Okay, so our first question is, if you move 3 numbers from the left of 1 on the number line, at what integer will you reach? So अगर हम तीन number एक से पीछे आ जाते हैं तो हम कौन से integer पर आते हैं. तो इसके लिए हमें सबसे पहले number line लेकर आनी पड़ेगी. तो मेरे पास मेरे copy के ऊपर number line बनाई हुई है. तो अब हमें कहा गया था कि हमको 1 से 3 minus कर देना है. तो वैसे ही हम करेंगे, 1 को 1 में से 3 माइनस कर देंगे, 1, 2 एंड 3. और ऐसे ही कर जो कि हमारा आंसर होगा वो आ जाएगा -2, एंड -2 इज आर आंसर. सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट पार्ट. सो आर नेक्स्ट पार्ट मींस द 12th पार्ट इज डिस्क्राइब योर पोजीशन इन रिलेशन टू योर स्टार्टिंग पॉइंट इफ यू वॉक 10 स्टेप्स फॉरवर्ड फॉलोड बाई 7 स्टेप्स बैक 1. तो इस सब में हमको क्या करना पड़ेगा, जो कि ये कह रहे हैं कि अगर आप अपने स्टार्टिंग पॉइंट, जैसे कि मैं कोई भी स्टार्टिंग पॉइंट ले लिया, मैं वहाँ से 10 स्टेप आगे चलता हूँ और उसके बाद मैं 7 स्टेप पीछे आ जाता हूँ, तो मेरे कितने स्टेप्स आगे चला हुआ हूँ, अब मैं अपने स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूर खड़ा हूँ, मतलब कि कितने स्टेप्स दूर खड़ा हूँ. तो इसका जो कि आंसर हमको क्या कैसे निकालना पड़ेगा, जो कि हमारा 10 स्टेप्स फॉरवर्ड है. सबसे पहले हम 10 स्टेप्स फॉरवर्ड गए और उसके बाद हम 7 स्टेप्स बैकवर्ड गए. तो हम अब इसको माइनस कर देंगे. तो माइनस मैं अपनी कॉपी के ऊपर कर देता हूँ. 10 माइनस 7 आंसर आ जाएगा 3, एंड द आंसर विल बी 3 स्टेप्स फॉरवर्ड. And it is our answer. Okay, so guys, आज के लिए इतना ही. मिलते हैं next video. तब तक के लिए bye bye. एक question आप कर देना मेरे मतलब कि Q&A video के लिए. I will pick the question in my Q&A video. आप मुझे 1K करने में भी help कर दीजिए. And until then.